इंदौर मेट्रो में चल रही ढिलाई के बीच डिजाइन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। इंदौर मेट्रो की डिजाइन सेस्मिक जोन यानी भूकंप जोन 4 के हिसाब से बनाई गई है, जबकि शहर जोन 2 में आता है। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सेस्मिक जोन 4 हिमालय की श्रेणियों और शिलोंग में आता है। जोन बदलने के कारण मेट्रो की लागत 25% बढ़ गई है, यानी 7,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1,875 करोड़ रुपए सिर्फ उसे गलत जोन में रखने के कारण खर्च होंगे। इसे महू पीतमपुर तक ले जाने की योजना है, लेकिन वह भी जोन 3 में ही है। हैरत की बात यह है कि हर साल भूकंप के हल्के झटके झेलने वाले अहमदाबाद में मेट्रो भूकंप जोन 3 के हिसाब से बनाई गई है। वहां के अफसर भी आश्चर्य जता रहे हैं कि इंदौर में ऐसा भूकंप कब आया जो प्रोजेक्ट में इतना बड़ा बदलाव किया गया। प्रोजेक्ट के 5.27 किलोमीटर के टेंडर MPMRCL ने जारी किए हैं। टेंडर जारी होने के बाद ये शर्त जोड़ी गई कि इंदौर जिस सेस्मिक जोन में है, मेट्रो की डिजाइन इससे एक जोन बढ़ाकर की जाए। निर्माण एजेंसी दिलीप बिल्डकॉन व जनरल कंसल्टेंट के बीच ये बिंदु भी टकराव की वजह है। जनरल कंसल्टेंट ने 100 डिजाइन रोक रखी है, उसमें तकनीकी कारण भूकंप का सही जोन न होना भी बताया जा रहा है। 31.55 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 7,500 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, लेकिन काम 2 साल बाद भी गति नहीं पकड़ पाया है। 4 जोन में डिजाइन होने से स्टील का उपयोग बढ़ेगा। बाकी शहरों में मेट्रो की डिजाइन सेस्मिक जोन के हिसाब से हुई है। 1 किलोमीटर मेट्रो लाइन की लागत 90 से 100 करोड़ है, गलत जोन से 25% बढ़ गई है। अहमदाबाद नागपुर मेट्रो के MD बोले, मैप के हिसाब से बनती है डिजाइन। अहमदाबाद मेट्रो के MD SS राठौर के मुताबिक यहां हर साल रेक्टर स्केल 4 तक के झटके आते हैं। शहर जोन 3 में है, मेट्रो उसी हिसाब से बना रहे हैं। नागपुर मेट्रो के MD ब्रिजेश दीक्षित कहते हैं कि लीगल और टेक्निकली जो क्षेत्र जिस जोन में है उसी हिसाब से प्लानिंग की जाना चाहिए। सीनियर आर्किटेक्ट अतुल सेठ कहते हैं कि भोपाल भी इंदौर की तरह सेस्मिक जोन 2 में है, वहां मेट्रो उसी हिसाब से बनाई जा रही है। वहां एक जोन ऊपर बढ़ाने की शर्त नहीं रखी गई है, इससे वहां काम तेजी से चल रहा है। जोन बढ़ाने की शर्त गंभीर लापरवाही है, इससे इंदौर मेट्रो का खर्च बहुत बढ़ गया है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।